हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 उसके सॉल्यूशन की। स्टूडेंट, प्रीवियसली मैंने आपको क्या है एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रोडक्शन कल मैंने आपको बताया हुआ था प्रीवियस वीडियो में। वहाँ पे स्टूडेंट उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल्स जितने भी आपके बुक में दिए थे वो मैंने सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे और मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इस प्रकार के फंक्शंस जो आपको दिए होंगे उनकी आप किस प्रकार से अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करोगे। ओके, तो स्टूडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द फंक्शन मैंने स्टेप भी यहाँ पे लिखवाए हुए थे कल। उसके बाद आपको परफेक्ट एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द फंक्शन, उसके बाद परफेक्ट एक्स फाइंड करके उसके बाद आपको क्या है ये फॉर्मूला मैंने बताया था एफ एक्स प्लस डेल एक्स। मैंने सॉल्व भी किया था कि ये कहाँ से आया था, इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल वाई। ओके, इस फॉर्मूले में क्या है आपको पुट करना है, आई बात समझ में कि नहीं। अब यहाँ पे आपको क्या है डेल वाई, अब आपको डेल वाई फाइंड करना है। ओके, और डेल वाई आपका क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। ओके, और आपका क्या है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद आप डेल वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इतना क्लियर है? तो स्टूडेंट उसी में आगे आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और भी कई क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 25.3। तो इसमें आपको सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई द फंक्शन, तो आपका फंक्शन किस प्रकार से रूट स्क्वायर रूट टाइप में है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे लेट बाई इक्वल टू रूट एक्स। आई बात समझ में कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं 25.3। ओके, अब लेट फंक्शन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फंक्शन आपका किस प्रकार से है रूट एक्स में, तो आप क्या करो बाई इक्वल टू रूट एक्स। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आपको क्या है परफेक्ट एक्स फाइंड करना है। दूसरा स्टेप क्या है आपका परफेक्ट एक्स फाइंड करना। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया है ओके कि इसमें क्या है परफेक्ट एक्स क्या है इसके नियरेस्ट, ये जो 25.3 है ना इसके नियरेस्ट कौन सा नंबर स्क्वायर में वो बताना है आपको। तो इसके नियरेस्ट आपको 25.3 के नियरेस्ट आपको क्या है स्क्वायर नंबर कौन सी मिलेगी 25। तो परफेक्ट एक्स आपका क्या हो गया हियर एक्स इक्वल 25। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट जो आपको दिया है जो फंक्शन आपको दिया है वो आपको क्या दिया है एक्स प्लस डेल एक्स। तो एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू 25.3। अब देखो एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 25 है, तो 25 उधर चला जाएगा यानी कि डेल एक्स इक्वल आ जाएगा 25.3 माइनस 25। आई बात समझ में बेटा। तो एक्स इक्वल क्या 0.3 आ जाएगा बेटा आपका। क्लियर है इतना? अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है नाउ एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल वाई। ओके, अब देखो फंक्शन आपका क्या है स्क्वायर रूट। ओके, अब एक्स प्लस डेल एक्स बेटा आपका कितना है 25.3। ओके, इक्वल टू एफ एक्स। ओके, फंक्शन आपका क्या है स्क्वायर रूट और एक्स आपका कितना है 25 और प्लस डेल वाई। आ रहा है ना समझ में? ओके, अब स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 इक्वल टू, देखो ये आपका क्या है 5 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 ही होता है, प्लस डेल वाई। और ये आपका क्या है इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इतना स्टूडेंट आप लोगों के लिए क्या है क्लियर है? अब देखो अब बात करते हैं, अब स्टूडेंट आपको क्या है डेल वाई निकालना है। ओके, तो डेल वाई की वैल्यू अब बी नो, देखो आप इस प्रकार से लिखोगे तो आपका क्या है एक भी मार्क्स ना कटेगा। ओके, और मैं उसी प्रकार से
आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ईच एंड एवरी क्वेश्चन कि आप अगर ये अगर अपने वहाँ पे लिख के आते हो एग्जाम में तो मेरा आपसे क्या है दावा है कि आपका एक भी मार्क्स ना कटने वाला ओके तो आपको ये चीज़ें लिखनी है बी नो हियर नाओ आई बात समझ में करी तो बी नो डेल वाई इक्वल टू क्या होता है डी अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स ओके अब डी अपॉन डी वाई होगा हाँ डी अपॉन डी एक्स और वाई की वैल्यू आपकी क्या है रूट एक्स तो यानी कि रूट एक्स इंटू डेल एक्स ओके अब स्टूडेंट देखो डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बेटा वन अपॉन टू रूट एक्स ओके ये डिफ्रेंसिएट कर दिया ओके इंटू डेल एक्स अब स्टूडेंट आप वैल्यू पुट करो वन अपॉन रूट एक्स आपका कितना हो जाएगा देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25 एक्स की वैल्यू 25 है तो इंटू 5 और इंटू अब ये डेल एक्स बेटा आपका कितना है 0.3 आई बात समझ में करी यानी कि 0.3 अपॉन 10 5 टू जा 10 यानी कि ये आप क्या है तो ये आपका कितना हो गया आप 3 में डिवाइड दोगे 100 से तो 0.003 ओके अब स्टूडेंट आपको ये आपका क्या है डेल वाई है ना अब आपको करना क्या है पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल वाई इन इक्वेशन फर्स्ट तो इक्वेशन फर्स्ट बेटा आपका क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 इज इक्वल टू 5 प्लस अब डेल वाई आपका क्या है 0.03 तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 5.03 ये आ गया आपका क्या है फाइनली आंसर ओके तो ये आपने क्या है सॉल्व कर लिया अब स्टूडेंट आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या है पहले आप इतना नोट करो ओके उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे क्या कहा गया है 49.5 इसकी आपको क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है क्लियर है तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने आइडेंटिफाई द फंक्शन तो फंक्शन फिर क्या है आपका स्क्वायर रूट ही है ना आई बात समझ में तो लेट y इक्वल टू रूट एक्स ओके अब आपको करना क्या है अब आपको परफेक्ट x फाइंड करना है तो परफेक्ट x किस प्रकार से फाइंड करोगे ये जो 49.5 है ना इसके नियरेस्ट आपको क्या है स्क्वायर नंबर सर्च करनी है आप अपने दिमाग में क्या प्रेडिक्ट करना है कि 49.5 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सी है तो आपको क्या है 49 मिल जाएगा ना तो हियर x इक्वल क्या 49 ओके अब x प्लस डेल x इक्वल टू स्टूडेंट मैंने क्या x प्लस डेल x जो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन में x प्लस डेल x आपका क्या होगा जो आपको दिया है वो ओके तो x प्लस डेल x इक्वल टू 49.5 ओके अब x आपका क्या है 49 तो डेल x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 49.5 माइनस 49 आई बात समझ में तो यानी कि डेल x बेटा आपका क्या हो गया 0.5 रह जाएगा ना कंफर्म है अब नाउ अब आप वो फॉर्मूला लिखोगे एफ एक्स प्लस डेल x इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल y ओके अब देखो f यानी कि फंक्शन आपका स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट और x प्लस डेल x आपका क्या है 49.5 इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है बेटा आपका स्क्वायर रूट फंक्शन स्क्वायर रूट है और x क्या है 49 प्लस डेल y आई बात समझ में कि नहीं अब ये आपका क्या है 49.5 इज इक्वल टू ये आपका 7 प्लस डेल y ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया ओके अब आपको क्या है डेल y फाइंड करना है तो डेल y बेटा आपका क्या होगा बी नो ओके डेल वाई इक्वल टू क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स ओके अब देखो अब डी वाई अपॉन डी एक्स तो डी अपॉन डी एक्स वाई आपका क्या है रूट एक्स ओके इंटू
डेल एक्स। अब इसका क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स इंटू डेल एक्स। अब आप एक्स पुट कर दो तो टू इंटू ये इसमें 49 पुट करोगे ना तो क्या हो जाएगा, 7 आएगा ना, तो इंटू 7 इंटू डेल एक्स बेटा आपका क्या है 0.5। तो ये क्या हो गया 14 इंटू 5 अपॉन 10। ओके कन्फर्म है इतना। अब आप मल्टी कर दो तो मल्टी करने के बाद लो मैं यहीं पे लो चलो बना रहने दो। ओके ये आ गया आपका 5 बन जा 5 5 2 जा 10। ओके यानी कि 1 अपॉन 28। आई बात समझ में कि नहीं, 1 अपॉन 28। अब ये वैल्यू आपको क्या है यहाँ पे पुट कर देनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ डेल वाई ओके इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट बेटा आपका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 इज इक्वल टू 7 प्लस डेल वाई, और डेल वाई आपका क्या है 1 अपॉन 28। अब स्टूडेंट या तो आप 1 में 28 से डिवाइड कर दो ओके, या आप क्या है ये सॉल्व करके उसके बाद डिवाइड करना है। आई बात समझ में कि नहीं, तो देखते हैं आपका क्या आएगा आंसर। तो 28 इंटू 7 ओके 7 एट जा 56, 5 कैरी 7 टू जा 14 और 5 96 ओके और प्लस 1 ये हो जाएगा ये 28 7 जा 196 तो 197 अपॉन 28। अब आपको क्या है इसमें डिवाइड करना है ओके, तो अब 197 में आप डिवाइड करोगे 28 से तो 28 7 जा 196 ओके और आपका ये 1 आ गया। अब आप पॉइंट करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ओके। अब ये जा नहीं रहा है डिवाइड, तो आप सबसे पहले आपको 0 यहाँ पे करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे हो गया ओके। अब ये 3 बार चला जाएगा ओके, 28 3 जा 84 ओके। अब आपका ये यहाँ पे क्या है 16 रह जाएगा, पॉइंट लगाए तो आपका 0 कर लो ओके। अब आप क्या करोगे 28 5 बार चला जाएगा, 28 इंटू 5 5 8 जा 40 ओके, 5 2 जा 10 ओके, और उसके बाद तो ये 4 बार चला गया ओके, यानी कि ये आपका 7.034 ये आ गया अप्रोक्सीमेट। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं ओके, एक्सरसाइज 7.035 दिया है उनने ओके। और अपना क्योंकि ये अभी डिवाइड फिनिश नहीं हुआ है ना ओके, देखो अभी आप यहाँ पे ये 140 रखोगे तो अब 20 आपका रिमेन रह जाएगा फिर, यानी कि आपको क्या है ओके एक उनने बढ़ा दिया है उसमें ओके। तो आपको टेंशन ना लेनी है ओके, आपका अगर डिवाइड क्या है फिनिश नहीं होता है तो आप भी क्या है एक बढ़ा दो ओके 0.35 ओके। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तुम अगर आप लोग ये भी लिख के आओ तो आपका रॉन्ग नहीं है। आई बात समझ, क्योंकि फाइंड क्या कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट फाइंड कर रहे हैं ना। आप अगर ध्यान भूल गए और आपने क्या है 7.034 लिख दिया एग्जाम में तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। आई बात समझ ना, और लेकिन आपको ध्यान में रखना है ओके, क्योंकि आपको निकालना क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो आपका क्या है अभी डिवाइड फिनिश नहीं हुआ है ना, तो आप क्या करो 4 का 5 कर दो बस, दिक्कत क्या है उसमें ओके। तो ये है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट वो एक्चुअली में मैं कंफ्यूज हो गया था, वो डिवाइड देखो 5 बार ही जा रहा था, आई बात समझ में गई, तो वो सीधा यहीं पे आ गया ओके। आपको कुछ नहीं करना, ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई, आई बात समझ में गई, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चंस हैं 3 से लेके 15 तक ओके, 14 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको आपको खुद से सॉल्व करना है ओके। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन में आपको एक्स क्या लेना है, परफेक्ट एक्स क्या फाइंड करना है ओके, क्योंकि आपको दिक्कत यही रहेगी कुछ क्वेश्चंस में आप परफेक्ट एक्स क्लियर नहीं कर पाओगे ओके। फिर आप मुझसे कमेंट में ओके कहोगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया ओके, तो आपको अच्छे से कर लेना है। आई बात समझ में, देखो ये क्या है आपका 0.5
सिक्स है ना। अब इसके नियरेस्ट आपको क्या है, इसमें परफेक्ट एक्स फाइंड करना है ना। ओके, फंक्शन तो आपने फाइंड कर लिया, फंक्शन आपका क्या है, स्क्वायर रूट है। ओके, तो बाई इक्वल टू रूट एक्स लेट करोगे। ओके, अब एक्स आपका क्या है, इसके नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट। ओके, आपको स्क्वायर नंबर देखना है, तो इस 0.6 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर आपका क्या होगा, 1। ओके, उसके बाद आप पूरी प्रोग्रामिंग बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन जैसे ही है। अब स्टूडेंट ये है आपका, देखो तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, क्यूब रूट में है, तो आप क्या करोगे, बाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/3। ओके, उसके बाद इसमें एक्स, अब 0.009 के नियरेस्ट आपको क्या है, क्यूब नंबर देखना है, तो इसके नियरेस्ट आपकी क्या होगी, 0.008। आई बात, एक्स आपको ये और एक्स प्लस डेल एक्स आपका ये दिया है। ओके, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो दिया है आपको वो एक्स प्लस डेल एक्स है। अब आपका ये 0.999 टू दी होल पावर 10, तो इसमें फंक्शन क्या है, बाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/10। आई बात समझ में, नहीं कन्फर्म है। और स्टूडेंट अब इसमें एक्स, तो देखो ऐसा कौन से नंबर है जिसकी पावर क्या है, जिसकी पावर क्या है, 10 करो तो वो इसके नियरेस्ट आए। आई बात समझ में, ऐसी कौन सी नंबर है जिसकी पावर आप 10 करो तो वो इसके नियरेस्ट आए, तो वो नंबर आपकी क्या है, 1। आई बात समझ में। और ये यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन आपका बाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4। ओके, इस प्रकार से। और इसमें एक्स क्या है, ऐसी कौन सी नंबर है जिसकी पावर 4 करो तो वो क्या है, 15 के नियरेस्ट रहे। ओके, तो जो मतलब किसी की पावर 4 हो, आई बात समझ में कि नहीं, किसी की पावर 4 हो जो इसके नियरेस्ट हो 15 के, नहीं आए समझ में, तो ऐसा आपका क्या है, x इक्वल टू 16। आई बात समझ में, 2 की पावर 4 होती है, आई बात समझ में, वो 2 की पावर 4 उससे मतलब नहीं है। ओके, यहाँ पे ये 1 की पावर 10 क्या है, बन ही आएगा ना, तो वो इसके नियरेस्ट है। यहाँ पे इसकी आप ये आपका 0.002 का क्यूब रूट है। आई बात समझ में कि नहीं, तो मतलब ऐसी कौन सी नंबर, ओके, जो परफेक्ट क्यूब हो, ओके, और इसके नियरेस्ट हो। आई बात समझ में कि नहीं। अब है आपका क्या, दिस, तो इसमें भी क्या है, बाई इक्वल टू क्या, एक्स टू दी पावर 1/3 करना है। आई बात समझ में कि नहीं। अब x इसमें क्या है, ऐसी कौन सी नंबर जो इसके नियरेस्ट है एंड परफेक्ट क्यूब हो। आई बात समझ में, तो क्या है, 27। स्टूडेंट जो आपका जो डेल एक्स है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। आई बात समझ में, कि अदरवाइज आपका नेगेटिव आए तो आप भड़बड़ा जाओगे, सर नेगेटिव आ गया। ओके, उससे आपको वो तो कैलकुलेशन में नीचे जाके सॉल्व हो जाएगा। ओके, आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा, कन्फर्म है कि नहीं। अब आप इसको देखो, तो इसमें ये y इक्वल टू क्या, एक्स टू दी पावर 1/4। अब ऐसी कौन सी नंबर है, ओके, जो किसी की पावर 4 है और इसके नियरेस्ट है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, x इक्वल 256, 4 की पावर 4 होती है। ओके, बात आई समझ में नहीं। अब स्टूडेंट ये तो आप समझ ही गए, समझ ही जाओगे, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 और 3 की पावर 4 क्या, 81 होता है ना, तो x आपका क्या हो जाएगा, 81। कन्फर्म है कि नहीं। अब इसमें तो ये तो आप क्या है, खुद से करोगे। आई बात समझ में कि नहीं, इसको आप क्या है, खुद से। ओके, अब है आपका ये, तो इस ये आपका क्या है, फंक्शन तो आप पहचान ही लोगे। ओके, बाई इक्वल टू 1/2 है। ओके, यानी कि 1/2 मीन्स रूट एक्स। ओके, रूट में लिख दो, आई बात समझ में, आप रूट में लिख लेना। ओके, 1/2 वाले जो हैं उनको आप क्या है, स्क्वायर रूट में लिख लेना। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये अब x इक्वल टू इसमें आपका क्या आएगा बेटा, 0.0036, 0.0036। ओके, 0.0036 इसके नियरेस्ट रहेगा। ओके, जो किसी का क्या है,
स्क्वायर रूट होगा, आई बात समझ में, इसके नियरेस्ट रहेगा। ओके, आपको परफेक्ट एक्स फाइंड करना है जो इसके नियरेस्ट हो, तो वो आपका क्या है, ये हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट इसमें इसमें भी आपको क्या है, खुद से आपने फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, तो एक्स इक्वल क्या, एक्स इक्वल हो जाएगा बेटा आपका 27। देखो 27 क्या है, 3 का क्यूब होता है ना। ओके, और फंक्शन क्या, फंक्शन क्या लेट करोगे आप, वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/3। अब ये इसमें भी आपका ये क्या है, वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/4 और एक्स इक्वल टू क्या 81, 3 की पावर 4 होता है ना। ओके, और यहाँ पे आपका स्टूडेंट ये वाई इक्वल टू क्या, एक्स टू दी पावर 3/2 और एक्स आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अभी बात समझ में। अब यहाँ पे, यहाँ पे क्या, वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/5 और x आपको क्या लेट करना है, 32। देखो 2 की पावर 5 करोगे आपका 32 आ जाएगा, आई बात समझ में कि नहीं। और यहाँ पे आप 2 की पावर 3/2 करोगे तो क्या है, इसके नियरेस्ट आपको क्या है, 4 मिलेगा, आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है। तो स्टूडेंट पहले इसको नोट करो, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। देखो स्टूडेंट, जो प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए, उनको आपको बड़े ईमानदारी के साथ, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ सॉल्व करना है, आई बात समझ में करी, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है। स्टूडेंट आप क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर ही नहीं भेजते हो। ओके, तो ये आप क्या है, डिसऑनेस्टी कर रहे हो अपने साथ और मेरे साथ, आई बात समझ में करी। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं चलेगा, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आप क्या है, मुझे कमेंट में, अगर मैंने कहा है कि कमेंट बॉक्स में आंसर भेजो, मुझे भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हो, क्लियर है कि नहीं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में क्या है, आंसर भेजो। और स्टूडेंट अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी के सिमिलर क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 3 है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने क्या है आपको एग्जाम्पल में भी बताया हुआ है, तो आपको करना क्या है, मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है, क्वेश्चन नंबर लिख के, क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट देखते हैं, देखो सबसे पहले आपको गिवन अस एफ एक्स इक्वल क्या है, 4x² + 5x + 2, क्लियर है बेटा। अब देखो, अब आपको क्या है, एफ 2.01 पे वैल्यू निकालनी है ना फंक्शन की। ओके, जैसे अगर मैं आपसे अगर एफ टू पूछूं तो आप क्या है, तुरंत कर दोगे 4 × 2² + 5 × 2 + 2। देखो मैं पूरी बात बता रहा हूं आपको। ओके, अब ये 4 हो जाएगा 16 प्लस क्या 10 प्लस 2। ओके, तो ये आप ऐड कर दोगे तो क्या है 28 आ जाएगा आपका आंसर, आई बात समझ में। अगर मैं आपसे F3 पूछूं तो आप फाइंड, अब मैं अगर F 2.01 पूछ रहा हूं तो यानी कि आपको करना क्या होगा, 4 × 2.01² + 5 × 2.01 + 2। तो ये क्या है, थोड़ा आपके लिए क्या है, टिपिकल हो गया, आप कर तो दोगे बट टाइम लगेगा, आई बात। लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, यूजिंग डिफरेंशियल करना है आपको, ये चीजें आपको किस प्रकार से करनी है, यूजिंग डिफरेंशियल। तो स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि आपको करना क्या है। ओके, आपको एफ 2.01 पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग डिफरेंशिएशन, क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट करते कैसे हैं क्वेश्चन को, तो देखो देखो स्टूडेंट, मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले ही बताया है, ये जो F 2.01 है तो ये आपका x है। ओके, और ये पूरा आपका क्या है, x प्लस डेल x है, आई बात समझ में कि नहीं। ये आपका क्या है, x है, और ये आपका 2.01 आपका क्या है, x प्लस डेल x, आई बात समझ में। तो हियर x इक्वल 2 एंड एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू क्या है आपका 2.01, आई बात समझ लो कि नहीं। तो नाउ एक्स प्लस डेल एक्स
इक्वल टू 2.01 है, तो स्टूडेंट x आपका क्या है, तो ये उधर चला जाएगा, तो डेल x बेटा आपका क्या आ जाएगा 2.01 माइनस 2, यानी कि डेल x बेटा आपका आ गया, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.01। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट अब आप क्या करोगे, देखो अब आपको क्या है, एफ वही एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल वाई, आई बात समझ में? ये डेल एक्स आपको फाइंड करने के बाद अब आपको क्या है दिस, ओके ये फॉर्मूला लेना है। अब देखो फंक्शन आपका क्या है एफ, एक्स प्लस डेल एक्स आपका बेटा क्या है 2.01 है ना, इक्वल टू यही तो आपको फाइंड करना है। अब एफ एक्स, तो एफ एक्स आपका क्या है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, देखो एफ एक्स प्लस डेल वाई, क्लियर है कि नहीं, इक्वल टू। अब देखो एफ, ये तो एफ एक्स हो गया, अब x की वैल्यू आपको पता है ना, तो आप इसमें क्या करो, यहां पे x पुट कर दो, आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो ये जब आप इसमें पुट करोगे तो अभी मैंने सॉल्व किया था 2 पे x की वैल्यू, तो कितनी 4 इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 2 ओके प्लस डेल वाई, तो बेटा ये आपका हो गया 28 हो जाएगा ऐड होके, ओके देखो 16 18 18 और 2 18 और 10 28 प्लस डेल वाई। स्टूडेंट ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और ये आपका एफ 2.01 एफ 2.01, बिल्कुल क्लियरिटी में समझ रहे हैं आपको, ओके देखो एफ एक्स प्लस डेल एक्स एफ एक्स प्लस डेल वाई, तो एफ एक्स आपका ये और आपका जो एक्स है वो आप पुट कर दोगे तो ये इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको स्टूडेंट करना क्या है, डेल वाई फाइंड करना है, ओके तो नाउ वो सॉरी बी नो डेल वाई इक्वल क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, ओके अब डी अपॉन डी एक्स वाई आपका क्या है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इंटू क्या बेटा आपका डेल एक्स, तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 8x प्लस 5 ओके इंटू क्या डेल एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब स्टूडेंट आप एक्स आपको मालूम है तो आप एक्स इसमें पुट करो, तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 2, तो 8 टू जा 16 प्लस 5 यानी कि 23 इंटू डेल एक्स, कोई शक? अरे आप 2 पुट करो तो 16 प्लस 5 यानी 21 होगा, ओके 21 होगा, ओके। अब स्टूडेंट 21 इंटू डेल एक्स आपका क्या है 0.01, आप यहाँ पे क्या है 100 हो जाएंगे ना, तो यानी कि 21/100, तो 21 में आपको 100 से डिवाइड देना है ना, यानी कि 0.21 यही आएगा ना, ये आपका क्या आ गया बेटा डेल वाई, ओके। अब आपको क्या है पुटिंग डेल वाई इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है डेल वाई की वैल्यू, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है यही तो है, यानी कि एफ 2.01 इक्वल टू 28 प्लस डेल वाई, डेल वाई आपका क्या है 0.21 यानी कि 28.21। आंसर चेक कर लेते एक बार साथ में ही, आंसर है आपका क्या क्वेश्चन नंबर 2 28.21 यही है आपका आंसर, ओके स्टूडेंट इसी प्रकार से आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या है खुद से सॉल्व करके मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, आई बात समझ में नहीं? तो अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर है, तो 4 मैं करता हूँ 5 आप करोगे, ओके पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 की, ओके 5 मैं कर दूंगा छोटा सा ये, देखो फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, अप्रोक्सीमेट
वॉल्यूम भी ऑफ ए क्यूब साइड एक्स मीटर है, ओके, कॉस्ट बाई इंक्रीजिंग साइड बाई 1%। तो स्टूडेंट देखो, एक्स में 1% क्या इंक्रीज हो रहा है, ओके okay? अगर स्टूडेंट आपको क्या है डिक्रीज भी दिया है, तो आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से टेंशन ना लेनी है, ओके okay? आप एक्स का जो एज है उसका 1% आप फाइंड कर दो, क्लियर है कि नहीं? तो देखते हैं, गिवेन अस वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू आपको क्या दिया है भी, और एज ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या एक्स दिया है। अब देखो आपसे क्या है अप्रोक्सीमेट चेंज वॉल्यूम में पूछ रहे हैं, ओके तो नाउ, और ये आपको ये जो दिया है ये क्या है बेटा डेल एक्स है, ओके तो डेल एक्स आपको क्या है एक्स का 1%, ओके यानी कि एक्स अपॉन 100, क्लियर है कि नहीं? अब नाउ, अब आपको बेटा क्या फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, तो बेटा ये आपका क्या होगा डेल वाई होगा, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा डेल वाई, ओके, और डेल वाई बेटा क्या होता है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, क्लियर है कि नहीं? अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स, डी वाई ना कह के यहाँ पे डी भी कहूँगा ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है भी है, आई बात समझ में कि नहीं? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है एज क्यूब, और एज उसका कितनी है एक्स, तो एक्स क्यूब इंटू बेटा आपका क्या डेल एक्स, क्लियर है। अब एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3x2, ओके, इंटू डेल एक्स आपके पास कितना है एक्स अपॉन 100, ओके तो ये आपका क्या है, ये देखो 3 में जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.03 x³, ओके, और मीटर, ओके, डायमेंशन आप यूनिट क्या दी है मीटर दी है ना, तो मीटर क्यूब, क्लियर है कि नहीं? अब वैसे ही आपको क्या है फाइंड द अप्रोक्स, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आप मैथ में देखोगे, ओके, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम की प्लेस पे वहां पे सरफेस एरिया लिखा है, क्या लिखा है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, एज वही है और बस यहाँ पे डिक्रीजिंग लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं, क्लियर है कि नहीं? तो गिवन अस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है एस से डिनोट किया जाता है, ओके, और ये होता है आपका 6x², ओके, 6a² होता है, जब एज ए होती है यहाँ पे एज एक्स है तो क्या है 6x² हो जाएगा, ओके, और अब आपको क्या है देखो डेल एक्स क्या दिया है एक्स का 1%, उसमें भी 1% है, ओके, तो एक्स अपॉन 100, बेटा राइटिंग थोड़ा है आप साथ साथ नोट मत करना, ओके, आप समझ लिया करो, तो ये आपका एक्स अपॉन, अब आपको क्या है अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया, ओके, तो ये बेटा आपका क्या होगा डेल एस, क्या डेल्टा, डेल्टा होता है उसको मैं शॉर्ट में डेल बोलता हूं, ओके, तो डेल्टा एस, और डेल्टा एस क्या होगा डी एस अपॉन डी टी, ओके, डी एस अपॉन डी एक्स, सॉरी है, तो डी एस अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, क्लियर है कि नहीं? कोई शक नहीं ना? अब आपका देखो डी अपॉन डी एक्स, और एस कितना है आपका 6x² इंटू डेल एक्स, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आपका क्या हो जाएगा 12x इंटू डेल एक्स, आपका बेटा क्या है 1x/100, ओके, तो ये आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 12 में
100 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 0.12। तो 0.12 एक्स स्क्वायर, और एज यूनिट आपको मीटर ही दी है तो मीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया है ना, तो यूनिट क्या होगी। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 0.12 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर और 0.03 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, दोनों आपके क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 बिल्कुल सेम है, मैं अभी यहीं पे वहाँ पे सरफेस एरिया बोल रहे हैं। ओके, और सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर होता है 4πr², कितना, 4πr², ओके क्लियर है। अब देखते हैं इफ रेडियस, और बिल्कुल सेम यही है, रेडियस ऑफ स्पीयर 9 मीटर है विद, अब देखो रेडियस स्पीयर की 7 मीटर है। ओके, उसमें एरर है 0.02 की, यानी कि रेडियस 0.02 ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन ये नहीं है कि सर ज़्यादा है कि कम है, उससे कुछ नहीं करना। आई बात समझ में करे, तो आपको क्या है अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। तो लेट वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल टू भी, और रेडियस ऑफ स्पीयर इक्वल टू आर, क्लियर है कि नहीं। अब देखो आपको आर की वैल्यू 7 मीटर दी है। ओके, और ये आपका जो वो एरर दिया है ना, वही आपका क्या है, डेल आर है। ओके, तो डेल आर इक्वल टू 0.02। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, नाउ कुछ भी नहीं करना है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्पीयर लिख दिया करो, तो क्या dv/dr, क्योंकि r के रिस्पेक्ट चेंज होगा ना, और इनटू क्या, डेल आर। कन्फर्म है स्टूडेंट के नहीं, तो देखो d/dr, और v कितना होता है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, 4/3πr³ इंटू डेल आर बेटा। ओके, अब देखो 4/3π तो क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है, 12 आ गया, और आर क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3r². ओके, उसके बाद r का r के रिस्पेक्ट 1 होगा जो लिखा नहीं जाएगा। ओके, इंटू डेल आर, ये 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो गया बेटा, और ये 4π। ओके, अब r की वैल्यू क्या है आपकी, 7, तो 7² कितना, 49, इंटू डेल आर बेटा आपका क्या है, 0.02। क्लियर है, कोई शकवक तो नहीं है। तो स्टूडेंट ये आप क्या है, ओके, डेसिमल हटा दिया, यानी कि 2/ क्या है, 15 हो गए, अब ये 8 हो गए, तो 8 49 into 8, 8 9 = 72, 7 कैरी, 8 4 = 32, और 32 और 7 कितने हो जाएंगे आपके, 39। ओके, 32 and 7 39 ही हो जाएंगे, तो क्या हो गया, 39। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या है, अब आपको क्या है, अपॉन 100, तो ये 3.92 और मीटर क्यूब ये आ जाएगा। देखो ये आप और पाई, और स्टूडेंट वही तो मैं सोच रहा था, रह क्या गया, पाई मीटर क्यूब। कन्फर्म है कि नहीं, देखो इसका 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 मल्टी किया तो क्या आया, ये इसमें फिर 100 से डिवाइड दिया तो 3.92 पाई आपका ये चुपका है। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, हो गया। ओके, अब देखो आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद से करना है। ओके, और क्वेश्चन, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये आपको, 8 और 9 आपकी दो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जैसा है, और क्वेश्चन नंबर 9 आपका है
बिल्कुल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जैसा। ओके, वहाँ पे भी वॉल्यूम में ही पूछा है, तो आप खुद से कर लोगे तो आपकी एक्सरसाइज क्या है फिनिश हो गई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।